नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फर्रुखाबाद में मास्टर प्लान के तहत आई अमृत महायोजना 2031 के प्रारूप का विरोध तेज हुआ है। दीनदयाल बाग में टावर बरेली हाईवे किनारे बने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अमृत महायोजना 2031 से प्रताड़ित होने पर सामूहिक पलायन की बात की जा रही है। अमृत महायोजना 2031 के प्रारूप में सेंट्रल जेल चौराहे से पांचाल घाट तक 60 मीटर तक जमीन अधिग्रहण करने की बात कही गई है। 60 मीटर तक सड़क के दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण किए जाने पर बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे। पीड़ितों के अनुसार बेघर होने से पहले पलायन किया जाए। पीड़ितों के द्वारा पूर्व में भी जिलाधिकारी और सांसद को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। फर्रुखाबाद में आरोप लग रहा है कि पुलिस की पिटाई से युवक की जान चली गई। परिजनों ने थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक गौतम के परिजनों के अनुसार देर रात 12 बजे के करीब पुलिस ने घर में दबिश देकर युवक को पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने गौतम की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। 30 वर्षीय युवक गौतम की मौत हो जाने के बाद पुलिसकर्मी शव फेंक कर मौके से भाग गए। परिजनों ने थाना मीरापुर और चौकी के पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजन गांव से शव को उठाने नहीं दे रहे। डीएम को बुलाने की मांग की। डीएम मौके पर पहुंचे, किसी तरह से लोगों को समझाया बुझाया है। अश्लील हरकत कर रही युवकों को जब बाग के ठेकेदार ने मना किया तो चारों युवकों ने आम के बाग के ठेकेदार की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया। वहीं सीएससी भर्ती के दौरान बाग के ठेकेदार ने दम तोड़ दिया। तो कमिश्नर डीके बिजनौर का एक पूरा मामला है, जहां पर अश्लील हरकत कर रहे युवकों को रोका गया तो उसके बाद ठेकेदार की चार युवकों ने जमकर पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाज में ठेकेदार को सीएससी में भर्ती कराया। वहीं ठेकेदार ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने अपराध रजिस्टर को गहनता से चेक किया है। जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के संबंध में औचक निरीक्षण करते हुए बेहतर पुलिसिंग के दिशा निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु थानों में स्थापित की गई महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिमांड और जमानत रजिस्टर को अपडेट करते हुए एसआरके स्कैंग रजिस्टर में पंजीकृत अपराधियों के क्रियाकलापों को जाँच कर कार्रवाई करने को कहा है। फ्रांस के राजदूत एक दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। इमैनुएल लेलन जौनपुर अटाला मस्जिद देखने के बाद अगले ऐतिहासिक धरोहर का दीदार कर रहे हैं। जौनपुर में पुराने शहर में अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, अकबर ब्रिज को देखते हुए नजर आए। राजदूत के साथ चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान मौजूद थे। जौनपुर प्रशासन के साथ ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार कर रहे फ्रांस के इमैनुएल लेलन जौनपुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। I'm visiting UP these last few days, and I wanted to see Jaunpur. That's my first visit, and I've heard a lot about the city, about its rich history, and I wanted to see by myself because I'm always amazed by all the beauty I see in India, and especially in UP, which is a great state. And I wanted to see this monument, so I'm very, very happy to be here today. How important is PM Narendra Modi to India? Kitna important hai Pradhan Modi? But here I'm on a visit to an
ग्राम थाने अचानक पहुंचे दोनों अधिकारी ने एमएसपी को देख थाने में हड़कंप मच गया। फानन में थानेदार ने व्यवस्था को संभाला है। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने खुद फरियादियों की समस्याएं सुनी। एसपी प्रशांत वर्मा बोले 24 घंटे में गंभीरता से समाधान होना चाहिए। थाना अधिवासियों में लापरवाही की शिकायतों पर अफसरों ने निरीक्षण शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे। आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ रुद्रपुर शहर के विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आगरा में पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से रिकॉर्ड रूम में रखे जरूरी कागजात खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दशकों पुराना रिकॉर्ड जलने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की स्थिति का बड़ा कारण कर्मचारियों की लापरवाही। कई बड़े भूखंडों से संबंधित पुराने कागजात खाक हो गए हैं। पूरा मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। निर्माण खंड ताज टेपोरिज्म एक रूम रिकॉर्ड का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट का बताया गया है। आज सुबह सपरी 9:30 बजे करीब शॉर्ट सर्किट हुआ और तुरंत आग लगी। तभी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और तभी से फायर ब्रिगेड कर्मचारी काम कर रहे हैं। सर, रिकॉर्ड रूम में आग लगना कोई छोटी चीज नहीं है। बड़े कीमती कागजात जो है सरकारी रखे जाते हैं, तो किस तरीके से इसके हालात में आप जांच कार्रवाई कराए जाएंगे? आग का कारण किस तरीके से पता चल पाएगी? आग का कारण तो जैसे फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं उसी हिसाब से जांच कराई जाएगी। जैसा भी होगा उसके बाद बताएगा। मैं सूचना मिली थी 10:11 पर कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस में आग लगी हुई है। मैं तत्काल दो गाड़ियां लेकर के मैं स्वयं एफएस सोमा सिंह पाल मौके पर आया हूँ। यहाँ आने पर पाया कि एक ऑफिस जो रिकॉर्ड रूम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और रिकॉर्ड उसमें रखा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। एमएफसी से पंपिंग करके आग को बुझाना प्रारंभ किया। कितने नुकसान होने की आशंका लग रही है कागजात के अलावा? कागजात के अलावा तो देखिए कोई खास नुकसान नहीं है। प्लास्टर टूटा है कुछ, मतलब वही नुकसान है। और अलमारी और रैक जो इनके अंदर रिकॉर्ड रखा हुआ था और ये आग काफ़ी पहले की लगी हुई है। आग लगने का कारण समझ में आया? आग लगने का कारण ये है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका एसी ब्लास्ट हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद हैं तो ये विद्युत सप्लाई रात में या शाम को जब भी जाते हैं ये लोग स्विच ऑफ नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्युत प्रवाह जारी रहा और ओवर हीट होकर के आग लगी है। काफ़ी पहले की लगी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 26 जून से एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा और गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के बचे हुए हिस्सों को कवर करने के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से 6 जुलाई तक मानसून देश के सभी हिस्सों को कवर कर सकता है। IMD ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में 25 जून को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बादलों की आवाजाही बने रहने का अनुमान लगाया है। अगले दो दिन राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल की ओर से दिए गए क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी
ये स्टैंड ले सकता है। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने पर कहा कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आया है तो अब आनंद आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। भारतीय रेलवे भारत के आम लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ऐसे में उनकी सुविधाओं को लेकर रेलवे ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। ध्यान रखें कि रात को यात्रियों को सफर करते वक्त इन नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना बाद में आपको जुर्माना या जेल तक की सजा हो सकती है। तो चलिए जानते हैं नियमों के बारे में। रात में ट्रैवल करते वक्त यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये नियम है कि कोई भी यात्री रात के समय तेज आवाज में गाना नहीं सुन सकता। साथ ही रात में तेज आवाज में बात करने की भी मनाही है। ऐसा करने पर दूसरे यात्री आपकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में रेलवे दूसरों की नींद खराब करने पर आपके जुर्माना भी लगा सकता है। रात के समय में कोई भी यात्री लाइट जलाकर नहीं रख सकता। ऐसा करने से बाकी यात्रियों की नींद खराब होती है। तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाइट जलाने पर भी पूरी तरह से मनाही है। अगर आप रेल में सफर करते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं तो रुक जाइएगा, वरना आपका चालान भी हो सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अमेरिका अपने H1B वीज़ा सिस्टम को मॉडर्न बनाने जा रहा है। ये खबर आपके लिए है, इससे जहां स्टार्टअप कंपनियां विदेशी लोगों को आसानी से नौकरी पर रख पाएंगी, वहीं ग्रीन कार्ड पाना भी पहले से आसान होगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय लोगों को होने वाला है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने H1B वीज़ा नियमों में कई बदलाव करने के प्रस्ताव रखे हैं। ये उसके 2023 के रेगुलेटरी एजेंडा का हिस्सा है। अमेरिका का H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्सिंग के लिए करती हैं। कई भारतीय कंपनियां और प्रोफेशनल इसी वीज़ा के आधार पर अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं, इसलिए इस वीज़ा के नियमों में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारतीयों को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका का गृह मंत्रालय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का संबंध परिभाषित करने वाले नियमों को संशोधित करना चाहता है। TUI की खबर के मुताबिक इससे स्टार्टअप कंपनियों के लिए अपने काम को आउटसोर्स करना आसान होगा। हालांकि इसी के साथ मंत्रालय इस वीज़ा के लिए कई तरह चेक पॉइंट्स भी तय करेगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। नए प्रस्ताव के मुताबिक साइट विजिट के लिए भी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का हाथ में घड़ी पहनकर आता है और फास्टैग लगी कार के शीशे को साफ करने लगता है। इसी दौरान वो अपनी घड़ी से कार में लगे फास्टैग को स्कैन कर लेता है। वीडियो में दावा किया गया कि घड़ी के स्कैनर से वो फास्टैग अकाउंट में जमा राशि को निकाल लेता है। इस वीडियो को कई अधिकारी शेयर कर चुके हैं जिसमें IAS अधिकारी अवनीश शरण ने भी इसे शेयर किया। तो आइए आपको बताते हैं कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है। दरअसल वायरल वीडियो में एक कार से दो युवक जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक छोटा लड़का आता है और कार का शीशा साफ करने लगता है। आधा शीशा साफ करके लड़का बिना पैसे मांगे वहां से जाने लगता है। देखकर कार सवार एक युवक उसका पीछा करता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। इसके बाद कार ड्राइवर कर रहा युवक इस घटना को फास्टैग स्कैम बताता है। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन हकीकत में ये दावा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। वीडियो में युवक दावा करता है कि लड़के ने कार का शीशा साफ करते हुए अपनी घड़ी से फास्टैग स्कैन कर लिया जिसके चलते उसके अकाउंट से पैसे कट गए। युवक दूसरे लोगों से इस कथित स्कैम से सावधान रहने की अपील करता है। हालांकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।